जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बगलामुखी। आज का क्लास है नंबर सिस्टम पार्ट टू। नंबर सिस्टम पार्ट टू, पार्ट वन में आपको दोनों सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दिए थे, ठीक है। एक था आपका हिंदू अरबिक सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम, और दूसरा क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। वहीं से हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपके सिक्स के लिए, सेवन के लिए, एट के लिए, क्या जिसको लेना है वो लेगा, जिसको आता है वो नहीं लेगा, क्या जिसको आता है वो नहीं लेगा, जिसको नहीं आता है वो देखेगा। चल, सबसे पहला काम जहां पीछे पड़े वहीं से स्टार्ट किया जाए। हिंदू अरबिक सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ भगवान। इंडियन सिस्टम, आपको इंडियन सिस्टम लिखने आ गया होगा। बोले थे कि अपने से नंबर लो, नहीं बोले थे आप उसको लिखो, नहीं तो किताब में क्वेश्चन बनाए हुएगा 4, 5, 6 में, राइट इन नंबर्स, राइट इन वर्ड्स, नहीं बनाए थे। तो वहीं से स्टार्ट कीजिए, आप जो लिखा होगा किताब में आपके कि राइट इन नंबर्स या राइट इन क्या वर्ड्स, उसी को कहा गया है न्यूमरेशन एंड नोटेशन। दो वर्ड का यूज करते हैं हम, नोटेशन एंड न्यूमरेशन, नोटेशन एंड न्यूमरेशन। नोटेशन क्या हुआ और न्यूमरेशन क्या हुआ। नोटेशन जो आप जानते हैं, आप सिर्फ वर्ड का अंतर है। नोटेशन हुआ कि उसको फिगर में लिखना, राइट इन नंबर्स, नहीं यानी राइट इन नंबर्स या फिगर्स, ठीक है। जैसे 2, 4, 5, और न्यूमरेशन जो हुआ यह हुआ राइट इन वर्ड्स, क्या यानी ये हो गया आपका राइट इन वर्ड्स यानी क्या न्यूमरेशन। इसी को क्या लिखेंगे, 245। नहीं तो दो सिस्टम जो आप पढ़े, हिंदू अरबिक यानी इंडियन सिस्टम और क्या इंटरनेशनल सिस्टम, नहीं तो नोटेशन और न्यूमरेशन क्या कह रहा है, इसमें क्या अंतर पा रहा है। ये 245 लिखे, नहीं तो 245, ये तो छोटा है इसलिए ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, यही बड़ा रहेगा तो लिखने में अंतर हो जाएगा, नहीं। और जब डिजिट में लिखते हैं, नंबर में लिखेंगे तो कॉमा में अंतर हो जाएगा। ये सब पीछे आपको हम बता दिए थे। तो आप क्या सीखे, एक नया चीज, नोटेशन एंड न्यूमरेशन, ठीक है। एक चीज और देखिए, अगला पॉइंट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और क्या फेस वैल्यू, नाम ही है प्लेस वैल्यू यानी जगह पर डिपेंड करेगा, जिस स्थान पर रहेगा उसका वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा, नहीं। इसका फेस वैल्यू माने जैसा का तैसा, क्या जैसे हम लिखते हैं 2, 4, 5, इस 2 का फेस वैल्यू क्या हो, इस 2 का
फेस वैल्यू हो गया टू, अब प्लेस वैल्यू क्या हो, प्लेस वैल्यू हुआ प्लेस टाइम्स, प्लेस वैल्यू क्या होगा प्लेस टाइम्स, यानी प्लेस यानी किस प्लेस पर है, यूनिट्स टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पर है यानी हंड्रेड टाइम्स, यानी क्या टू हंड्रेड, यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया टू हंड्रेड, ठीक है। यानी फेस वैल्यू यही टू, मान लो यहां नहीं रह करके यहां रहता, इसको हटा दो तो फेस वैल्यू तो वही होता, लेकिन प्लेस वैल्यू तब क्या हो जाएगा टू, नाम ही है प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस चेंज होगा तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, नोटेशन हो गया, न्यूमरेशन हो गया, ठीक। अब हम आते हैं जीरो जो पढ़े थे उस दिन आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट साहब जो जीरो दिए थे कितना यूज है सो देखिए उसका, उसका हम लोगों का जो सिस्टम है, हम लोगों का सिस्टम क्या है, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स लाख टेन लाख करोड़ टेन करोड़, आप ये क्यों लिख रहे थे हमको याद है क्या, ठीक है आपको याद है तो उसे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, वंस वन नहीं टेंस टेन हंड्रेड, उसका प्लेस वैल्यू बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं प्लेस वैल्यू, थाउजेंड टेन थाउजेंड हो गया, ये क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है उसका नंबर। अब आइए कि कितना डिजिट होगा, इसमें लिखने का मेरा था तात्पर्य कि इसमें डिजिट कितना होगा, तो वंस में वन डिजिट, टेंस वाला में टू डिजिट, हंड्रेड वाला में थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और टेन करोड़ में कितना, टेन करोड़ में नाइन डिजिट, ठीक है टेन करोड़ में हो गया मेरा नाइन डिजिट्स, ठीक। अब देखिए हमको बताना क्या था, इसमें इस सबको हम टेन के पावर में ले जाते हैं, ठीक, इसको क्या लिखेंगे टेन टू द पावर जीरो, क्यों, किसी भी नंबर का पावर जब जीरो होता है उसका वैल्यू कितना होता है वन, इसके बदला हम क्या लिखेंगे टेन का पावर कितना वन, इसको यहां नहीं लिख करके यही लिखो, टेन का पावर जीरो, टेन का पावर वन, टेन का पावर टू, टेन टू द पावर थ्री, टेन टू द पावर फोर, टेन टू द पावर फाइव, टेन टू द पावर सिक्स, टेन टू द पावर सेवन, टेन टू द पावर एट, यानी टेन थाउजेंड में क्या होगा टेन का पावर फोर, वन लैख में क्या होगा वन लैख इज इक्वल टू टेन टू द पावर फाइव, ठीक, इससे ज्यादा भी है। अब समझा क्यों हम इसको लेके आ रहे थे, टेन टू द पावर एट हो गया, नाइन भी होगा टेन भी होगा ये सब भी होगा, क्या होगा सुनो दिखाई दे रहा, क्या हम इसको साथ पढ़ रहे, इतना तो क्लियर हो गया, अब इसके बाद हम करते ये समझा, चलो कुछ जो है सो नया है उसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, जैसे है अरब टेन टू द पावर नाइन, ठीक है, जैसे वन अरब कितना हो गया टेन टू द पावर नाइन, ठीक,
उसके बाद है आपका वन खरब, वन खरब 10 to the power 11। इससे बता दिया वन ब्रिंदा BRINDA 10 to the power 32, नहीं 32 नहीं 10 to the power 22। उसके बाद वन पद्म PADMA पद्म 10 to the power 32, ठीक है। उसके बाद वन समुद्र, समुद्र 10 to the power 52। अब समझा 10 to the power 52, 10 to the power 52। उससे आगे आओ वन गूगल, GOOGOL इज इक्वल टू 10 to the power 100। जानता है गूगल जो यूज होता है, नहीं गूगल गूगल नाम सुनता है, गूगल पर से जो काम करता है वो इसी वर्ड से बना हुआ है। इसी वर्ड के स्पेलिंग में मिस्टेक करो, मिस स्पेलिंग करो, इसी गूगल से बना हुआ है गूगल, समझा। वन गूगल बराबर कितना 10 to the power 100। इससे भी ज्यादा है कि वन गूगल प्लेक्स, बराबर 10 to the power गूगल, बात समझ गया। इसीलिए हम उसको ले गए 10 के पावर में, आप समझ गया। टेन के पावर में ले गए, ठीक है। अब आ जाओ आगे, इतना याद रखना होगा, ठीक है। अब हम उसको भी कर लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम जो था उसमें भी कितना डिजिट होगा, इसी आधार पर हम इंटरनेशनल सिस्टम को भी बांट लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्या, उसको भी देख लो। कहाँ गया कपड़ा दिया, गर्मी है, वो कर लेगा इंटरनेशनल सिस्टम वाला। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था, वंस टेंस हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड वाला में भी था, थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स, नहीं लिखे लो वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स हंड्रेड थाउजेंड्स था, उसके बाद था मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, एंड ये हो गया मेरा वंस वाला, ये हो गया थाउजेंड्स वाला, ये हो गया मिलियन वाला, इसके बाद पता है बिलियन वाला, बिलियन होगा तो फिर उसमें बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन, ट्रिलियन होगा तो वन ट्रिलियन, टेन ट्रिलियन और हंड्रेड ट्रिलियन। तो ये हम क्यों लिखे, लिखने का फिर मेरा वही तात्पर्य है कि 10 के पावर में इसको सजाना, ठीक है। इसको भी हम 10 के पावर में सजा देंगे, तो वंस क्या हो गया, वन टेन हो गया। इसको भी कैसे लिखेगा, क्या लिखेगा, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या 8।
ही हम दिखा रहे थे आपको कितना डिजिट होगा, यानी इसमें कितना डिजिट, 1 2 3, इसमें कितना डिजिट, 4 5 6 7 8 और 9, यानी क्या नंबर ऑफ डिजिट्स, 10 to the power 5 किसको शो कर रहा, 100,000 को, और जब ये 6 हो गया किसको शो करेगा, मिलियन, 6 वाला किसको शो करेगा, मिलियन को। हंड्रेड थाउजेंड में क्या लिखे, 5, 100,000 में 5, ठीक है, डिजिट कितना है वो। अब आ जाओ हम इससे आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हुआ, ठीक है, इससे आगे बढ़ सकते हैं। गर्मी है, बहुत है, पंखा चलाइएगा तो आवाज क्लियर नहीं आएगा क्या। चलिए थोड़ा मोड़ा प्लेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, न्यूमरेशन हो गया, नोटेशन हो गया, उसके बाद आपका ये नंबर हो गया। अब हम आते हैं अगला नंबर सिस्टम को, मतलब पार्ट, ठीक है, इसको हम साफ करें, अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर्स, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ देते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। इसको हम पहले दो भाग में बांट दिए, पहला रियल नंबर दिखाई देगा, रियल नंबर्स, और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब आ जाइए रियल नंबर को भी हम दो भाग में बांट देते हैं, रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल को दो भाग में बांटिए, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स को तीन भाग में हम लोग बांटे, पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं जीरो, यानी वनली इंटीजर, क्या बोलेंगे इसको, वनली इंटीजर, इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। नंबर्स दो भाग में बटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर टेंथ तक आपको सिर्फ रियल नंबर को ले गया, क्लास टेंथ तक जो है वह सिर्फ रियल नंबर को ले गया है। रियल नंबर को दो भाग में बांटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, फिर रेशनल को दो भाग में बांटा, फ्रैक्शन और इंटीजर, इंटीजर को तीन भाग में बांटा, पॉजिटिव इंटीजर, वनली इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, दिखाई देगा, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर को कैसे बांटेगा, पॉजिटिव इंटीजर कैसे बांटेगा, इस पॉजिटिव इंटीजर को हम बांटेंगे कैसे, जीरो और पॉजिटिव मिला करके कहां गया, यह ओनली इंटीजर क्या आता है, जीरो, जीरो और पॉजिटिव मिला करके इसी को बोलते हैं हम लोग होल नंबर्स, क्या बोलेंगे इसको, होल नंबर्स, ठीक है। ये जो पॉजिटिव नंबर है इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अब आ रहा है दिमाग में, कहां कहां से आ रहे हैं हम लोग, क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है,
अब दिखाई देगा, हाँ अब दिखाई देगा। कहाँ चले हम लोग? नेचुरल नंबर पर। अब यहाँ आए, होल नंबर क्या हुआ कि नेचुरल नंबर के साथ जीरो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। अब आइए नेचुरल नंबर को भी, हो गया होल नंबर को बाकी कहाँ गया? होल नंबर है ना साहब, इस होल नंबर को बांटा जाए, यहां भी ले लेते हैं, हाँ इस होल नंबर को हम बांट दिए चार, एक दो तीन और चार, इस होल नंबर को चार भाग में बांटा गया। दिखाई देगा? हाँ देगा। कौन कौन? प्राइम नंबर, ये नंबर हो गया मेरा प्राइम नंबर्स, ये हो गया कंपोजिट नंबर्स, इसको कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, उसके बाद इवन नंबर्स, उसके बाद ऑड नंबर्स, ठीक है। देखिए ध्यान से टेबल, इतना सारा आपको टेबल दिमाग में रखना होगा, तब हम अगले क्लास से जो है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नेक्स्ट क्लास से अब हम सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रामानुजंस नंबर, फैबोकेसी नंबर, परफेक्ट नंबर, अब चलता रहेगा, ठीक है। जय मां बगलामुखी की।